नमस्कार, वीडी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। उन्नाव में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जन जन को जागरूक करने के लिए हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मुख्यालय से लेकर सभी ब्लॉकों तक जनमानस को इस अभियान में सहभागिता करने के लिए प्रेरित करेगी। इस दौरान डीएम उन्नाव ने इस अभियान के नोडल दिव्यता पटेल की सराहना की। इस अवसर पर डीएम उन्नाव ने सभी विधायकों व अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उसके बाद हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर डीएम उन्नाव के साथ एसपी दिनेश त्रिपाठी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, पूर्व विधायक अनिल सिंह, सफीपुर विधायक बम्बालाल, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला मौजूद रहे। ब्लॉकों पर वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बहुत ही वृहद और सुचारू रूप से प्लान करके ब्लॉकों पर जो कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा तैयार की है। इसके सापेक्ष बैठक की गई है। बैठक में किस प्रकार से जन अभियान के तहत इसे सफल बनाना है, इसके संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान, प्रत्येक व्यक्ति के किस प्रकार से प्रतिभाग करना है, उसके संबंध में लोगों द्वारा बैठक की गई। सीडीओ दिव्यांशु पटेल इस अभियान के नोडल रहे हैं। उनका लक्ष्य रहेगा कि जनपद के हर घर में तिरंगा लगाया जाए। आज सर्वप्रथम हमारे जनपद उन्नाव में ब्लॉकों में जो कार्यक्रम होने हैं उसका सभी माननीय जनप्रतिनिधि के साथ में प्रत्येक जो वाहन है सामग्री सहित यहाँ से रवाना हुई है। ब्लॉकों पर वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बहुत ही वृहद और बहुत ही सुचारू रूप से प्लान करके ब्लॉकों पर जो कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। इसके पृथक से जो बैठक की गई है, बैठक में किस प्रकार से इसको एक जन अभियान का रूप देना है, जन अभियान के रूप में इसको सफल बनाना है, उसके संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान, प्रत्येक व्यक्ति के किस प्रकार से प्रतिभाग कराया जाना है, एक ऊर्जा जिसको कहते हैं कि इस कार्यक्रम में बनी है, उसके संबंध में हम लोगों द्वारा बैठक की गई है। जिन विभाग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस या अनटच्ड रह गए हैं उनकी हम लोगों ने समीक्षा की और किस प्रकार से उसको किया जाना है उसके लिए निर्देशित किया गया। बहुत ही जिसको कहते हैं सफल रूप से सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी इस के नोडल रहे हैं। इन्होंने हमारे जनपद का लक्ष्य जो 7 लाख करीबन हमारे जनपद का लक्ष्य है उसके सापेक्ष किस प्रकार से अवेलेबिलिटी है वो भी सुनिश्चित कर ली गई है। घर घर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कैसे किस प्रकार से वितरण हो रहा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और साथ ही यहाँ पर स्पेशली अलग से डैशबोर्ड भी इनके द्वारा विकसित किया गया है कि किस प्रकार से प्रत्येक घर में और प्रत्येक ब्लॉकों में किस प्रकार की जिसको कहते हैं प्रगति रहेगी वो हमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से भी दिखती रहेगी। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि चित्र के रूप में फ़ोटोज़ के माध्यम से अन्य नोडल अधिकारी लगा करके हमारे यहाँ इसकी मॉनिटरिंग की जाए। थैंक यू। उन्नाव से मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट।